तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने पहले अपलोड किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो बाइक में ये हो रहा था कि बाइक स्टार्ट हो गई थी लेकिन जब हम उसको एक्सीलेटर देते थे तो उस टाइम पे बाइक जो है पिकअप नहीं ले रही थी, तो उसी वीडियो का ये पार्ट टू है। तो चलिए आज हम इसमें जानेंगे कि अगर बाइक में स्टार्ट होने पर अगर बाइक का हम एक्सीलेटर लेते हैं और उस टाइम पे बाइक पिकअप नहीं लेती है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है क्लासिक 500 में और इसको सही कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर उससे आप पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लीजिए वीडियो स्टार्ट हो गई दोस्तों। वीडियो की पार्ट वन में हमने यहाँ तक देखा था कि गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है और उसके बाद में उसमें हमने काम किया था जिसके बाद इसमें करंट आ गया था बाइक में और बाइक स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बाइक स्टार्ट होने के बाद जब हम इसको थ्रोटल कर रहे थे तो ये बराबर से पिकअप नहीं ले रही थी, मिस फायर कर रही थी। गाड़ी जब हम थ्रोटल लेते थे तो उस टाइम पे बंद हो रही थी, तो उस टॉपिक को हम इस पार्ट टू में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं टैंक उतारता हूँ और बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, बाइक स्टार्ट हो रही थी लेकिन बंद क्यों हो रही थी। तो पहले टैंक निकाल लेते हैं। तो टैंक को निकाल के हम यहाँ पर ले आए हैं। अब हमको क्या करना है, ये फ्यूल पंप खोलना है। फ्यूल पंप को खोलने के लिए यहाँ पर 5 mm एल की लगती है और ये खुल जाएगा। फ्यूल पंप के ऊपर और भी बहुत वीडियो मैंने बनाकर चैनल पे अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है फ्यूल पंप के ऊपर, 500 बाइक की मिसिंग के ऊपर भी है, वो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आई बटन में देखिए एक वीडियो सजेस्ट हो रही है, वो वीडियो बहुत अच्छी है, फ्यूल पंप के ऊपर है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, नॉलेजेबल है। लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वो वीडियो कहीं नहीं जा रही है, आप वापस से वीडियो को चालू करेंगे तो वो फिर सजेस्ट करेगी। पहले ये वाली वीडियो कंप्लीट देखिए, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन रॉन्ग मिलेगी, जो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ये 5 L की बोल्ट होते हैं और ये सब हमने खोल लिया है। इसके पीछे 2 वाइसर लगती हैं, एक वाइसर कॉपर की है और दूसरी वाली फाइबर की है, फाइबर वाली नीचे लगती है, कॉपर वाली ऊपर लगती है। साइड में रखेंगे और फ्यूल पंप को यहाँ से निकालेंगे। अभी यहाँ पर देखिए कितना कचरा है, इसको क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल टैंक में देखते हैं क्या है, इसको साइड में रखते हैं, इसे बाद में देखेंगे। बारिश के टाइम से भी गाड़ी खड़ी थी तो इसके अंदर पानी गया हुआ है और ये अंदर बहुत पेट्रोल ख़राब हो रहा है, इसको क्लीन कर लेंगे टैंक को। ये देखिए पेट्रोल की कंडीशन कैसी हो गई, ब्लैक ब्लैक ऑयल के जैसी हो गई है।
फ्यूल पंप के ये स्क्रू, ये देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है ये वाला और एक ये वाला और एक ये अर्थिंग का, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी खोलना पड़ता है, तो इसको भी खोल ही लेते हैं। तो तीनों स्क्रू खोल लेने हैं इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसमें कचरा भी है ना और पानी भी है, पेट्रोल में पानी है और फ्यूल पंप में कचरा है, टैंक में जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी ये दिक्कत कर रही थी। अब देखिए यहाँ से निकाल देना है इसको, फ्यूल पंप को। और ये निकल गया। अब यहाँ पर इसके नीचे देखिए कितना कचरा है, बहुत ज़्यादा कचरा है इसके अंदर। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, तो इसको क्लीन पेट्रोल से ही करते हैं, तो मैं जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक वरिंग लगी हुई होती है, उस वरिंग का ध्यान रखना। ये देखिए ये वाली वरिंग, ये निकल जाएगी तो फिर बाद में पेट्रोल नहीं सप्लाई हो पाएगा, तो मैं इसको जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ पहले। फ्यूल पंप अभी क्लीन हो गया है और यहाँ पर वायरिंग देखिए अच्छी तरीके से लगाना है, मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, वरना जो फ्यूल है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा। और अब इसको यहाँ से इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। वायर को साइड में कर लेंगे और इसको यहाँ से अच्छी तरीके से बिठाना है वायरिंग के अंदर। और जब ये बैठेगा तो एक फीलिंग होगी, मतलब ऐसा आप फील करोगे कि ये बैठ चुका है वायरिंग के अंदर। तो अभी ये हमारा यहाँ पर बैठ गया है अच्छी तरीके से, फ्यूल पंप चेसिस के अंदर। अब क्या करना है, स्क्रू लगा देना है। टाइट कर लेंगे इसको आराम आराम से। थोड़ा थोड़ा सबको टाइट करना है, एक को एक साथ में टाइट नहीं कर देना है कि एक को पूरा फुल टाइट कर दें, थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना है। अभी ये टाइट हो गया, अभी वायर लगाना बाकी है। कौन सा वायर किधर लगेगा वो भी बता रहा हूँ। अर्थिंग का स्क्रू लगा देना है अभी। लग गया,
वायर को यहाँ क्लैंप में अंदर डालना है यहाँ पर। रेड वाला आगे की तरफ लगेगा और ये ब्लैक वाला पीछे की तरफ लगेगा। ओके, इसके बाद ये वायर यहाँ पर डाल देने हैं। यहाँ पर भी क्लैंप है, ये वाले क्लैंप में डालना है। और ये फ्यूल पंप हमारा फिट हो गया। टैंक अभी क्लीन हो चुका है, फ्यूल पंप इसमें लगा देंगे। तो पहले ये वायरिंग डालेंगे यहाँ से। उसके बाद ये फ्यूल पंप डालेंगे यहाँ से। अभी लंकी जो हमने स्क्रू निकाले थे वो लगा के टाइट कर लेना है पांचों। तो ये मैं जल्दी से लगा के टाइट करके लेता हूँ। फ्यूल पंप फिट हो गया, अब हमको टैंक के अंदर पेट्रोल डालना है। पेट्रोल हम यही वाला डालेंगे क्योंकि नुकसान करके फ़ायदा नहीं है नया मंगा के। तो उसको मैं फ़िल्टर करता हूँ अभी यहाँ से। बहुत मेहनत करनी पड़ी इस गाड़ी के पीछे। इसमें पानी है, कचरा भी है, लेकिन वो नीचे है। पानी कभी भी नीचे रहता है पेट्रोल के। अभी देखिए ये क्लियर पेट्रोल है। मैं दूसरी तरफ से इधर धूप छाँव में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये क्लियर पेट्रोल है, इसमें ना तो पानी है और ना कचरा है। इस तरीके से हाथ से पलट लेंगे और अगर यहाँ नीचे पानी होगा थोड़ा छोड़ देंगे। इसी तरीके से अच्छे पेट्रोल, जो अच्छा पेट्रोल है वो निकाल के हम टैंक में डाल देंगे। यहाँ पर तो भी मैं इसमें से कंप्लीट पेट्रोल निकाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना पानी है। तो अभी हमने इसमें से जो पेट्रोल था वो निकाल लिया, आप दिखाते हैं आपको इसमें पानी कितना था। देखिए ठीक है, अब गाड़ी में टैंक को फिट कर लेंगे, उसके बाद गाड़ी को सीधा स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले टैंक को फिट कर लेता हूँ। तो अभी गाड़ी हमारी फाइनल फिटिंग हो चुकी है और अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि पहले जो प्रॉब्लम गाड़ी में थी वो अब सॉल्व हुई या नहीं हुई। गाड़ी पहले जैसा दिक्कत कर रही थी वैसे अभी कर रही है या अब गाड़ी सही हो गई है। तो मैं जाके स्टार्ट करता हूँ इसको।
तो पहले एक्सीलेटर लेने पे गाड़ी मिस हो रही थी और लोड नहीं पकड़ रही थी। अभी कितना भी इसका एक्सीलेटर लो तो गाड़ी जो है लोड बराबर से पकड़ रही है। इसका जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। एक बार और मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी मिला आपसे हमारी दूसरी वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम बाइक से रिलेटेड वीडियो इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल पर और आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।